गाइस दिस इज कमलेश वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन अरोड़ा आईएएस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ आर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज इन विच वी आर डिस्कसिंग द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया कि किस तरीके से वैदिक कल्चर ने, ठीक है, किस तरीके से वैदिक कल्चर ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को राइज किया, किस तरीके से सबसे पहले इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, फिर पॉलिटिकल चेंजेस हुए, फिर सोशल चेंजेस हुए, और अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम्स आई उसका राइज हमें कहाँ देखने को मिला, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में। ठीक है, तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स थे और जो बैकग्राउंड था वो सब मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया, तो आई होप कि आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और आज का जो लेक्चर है, ठीक है, पिछले लेक्चर में पूरी मेहनत किसकी थी, मेरी थी, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में पूरी मेहनत किसकी होगी, आपकी होगी। क्यों? बिकॉज आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं, ठीक है, इट इज़ मोर अबाउट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, तो आज आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुझे कम करनी पड़ेगी, बिकॉज फैक्ट्स बोलने में क्या जाता है, ठीक है, फैक्ट्स तो रटे हुए हैं, बस आपको बक 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 कर देनी है, ठीक है, तो आप फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू टीच एज अच्छा एज पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज गुड पॉसिबल। तो चलिए चालू करते हैं हम जैनिज्म से, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद जैनिज्म, लेट मी बी क्लियर विथ सम ऑफ द मिसकंसेप्शन अबाउट जैनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है जैनिज्म के बारे में कि भैया महावीर, ठीक है, लॉर्ड महावीर इज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, सो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। महावीरा और जस्ट अ 24th तीर्थंकर, ठीक है, मतलब इनके में बहुत वो गुरु गुरु चले गए थे, मतलब सिख में थे गुरु नानक देव जी, फिर जो भी कंप्लीट गुरु, फिर आखिरी गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो वैसे यहाँ पर एक गुरु वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट गुरु थे ऋषभनाथ जी, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी जैनिज्म की, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़, इनका जो ऋषभनाथ जी का मेंशन है वो आपको वेदास में भी मिलता है, ठीक है, ऋषभनाथ जी का मेंशन है वेदास में मिलता है, इसलिए कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन लाइक सनातन धर्म, और आप कह सकते हैं हिंदुइज्म, ठीक है, या ब्राह्मणिज्म, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। और दूसरा चीज़, ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़, जो भी प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स भी हमारे महावीर साहब ने नहीं दिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर चार प्रिंसिपल थे। अब जो ब्रह्मचर्य का प्रिंसिपल था, ठीक है, पांचवा जो ब्रह्मचर्य आपको अपना के रखनी चाहिए, ये प्रिंसिपल हमारे महावीरा साहब ने दिया था, ठीक है, महावीरा जो लॉर्ड थे, महावीरा, उन्होंने दिया था, ओके। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब अल्टीमेटली लेट अस गोइंग टू बिगिन विथ, लेट अस स्टार्ट विथ हमारे महावीर जी। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारे वर्धमान महावीर थे, ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन ट्रेडिशन। ऑलरेडी इनसे पहले 23 तीर्थंकर थे जिनको आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इनका नाम याद रखिएगा, और पहले वाले का ऋषभनाथ जी, ठीक है, ऋषभनाथ, लॉर्ड ऋषभनाथ, इनको याद रखिएगा। इसके बाद जो इनका जन्म हुआ था वो वैशाली याद रखिएगा, ये कंप्लीट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारे महावीरा थे और गौतम बुद्ध थे, दे बोथ बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिस वॉज नॉट अ रिलीजियस मूवमेंट, दिस वॉज अ पोलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, मोर ऑफ अ पोलिटिकल नेचर था, बिकॉज ब्राह्मण्स ने काफ़ी पावर अपने हाथ में एक्वायर कर ली थी, ठीक है। और इनके जो पिताजी का नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ किसका नाम था, हमारे गौतम बुद्ध का भी, ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और जो मदर का नाम था वो त्रिशाला। अब ये मत याद रखिएगा कि मतलब उनकी जो मदर थी वो लक्ष्मी से प्रिंसेस की थी, ये सब वो सब बकवास है, ठीक है, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि ही वॉज अ 24th तीर्थंकर। दूसरी बात, ही वॉज बॉर्न इन वैशाली। और तीसरी बात, ही बिलोंग टू क्षत्रिय, और गौतम बुद्ध ऑल्सो बिलोंग टू क्षत्रिय, और उनके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स जिनका पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशाला, मदर का नाम था त्रिशाला, और उनकी शादी होती यशोदा से, ठीक है, शादी की स्थिति यशोदा से, और उसके बाद उन्होंने एक डॉटर को बर्थ दिया था, ठीक है, मतलब उनकी भी एक डॉटर थी, जिस प्रकार से हमारे गौतम बुद्ध के सन का नाम था राहुल, ठीक है, उसी प्रकार से उनकी एक डॉटर भी थी, ठीक है। अब देखो, इन्होंने 30 साल की एज में डिसाइड किया कि भैया आई विल टेक द संन्यास एंड आई विल ट्राई टू नो द टू नो वॉट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है, वॉट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और अल्टीमेटली उन्होंने 13 साल तक काफ़ी मेहनत की जानने में कि भैया इस लाइफ का ट्रूथ क्या है, और अल्टीमेटली उनको 13वें साल सबसे जो हाईएस्ट नॉलेज होती है, मतलब अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, अर्थ, एवरीथिंग, वो सब उनको प्राप्त हो गया था, ठीक है। इसलिए उनको कहा गया केवल ज्ञान, ठीक है, केवल ज्ञान, ये ज्ञान है, ठीक है, केवल ज्ञान। और उसके बाद इन्होंने ये जो नॉलेज को हराया था, सबके ऊपर विजय क्या कह सकते हैं पाई थी, तो इनको जिना कहा गया, ठीक है, इनको जिना कहा गया। और उसके बाद जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनको जैंस कहा गया, ठीक है, जैना कहा गया, जैंस कहा गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को लगभग 30 साल के लिए पढ़ाया, और अल्टीमेटली मतलब 30 साल से जब से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद से तब से पढ़ाया, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 25 साल से, तो 25 प्लस साल पढ़ाया, और अल्टीमेटली 72 साल की उम्र में इनकी डेथ कहाँ पर होती है, राजगृह में, ठीक है, डेथ कहाँ होती है, राजगृह में। यहाँ पर फैट ज़्यादा है तो ये आपको रटने पड़ेंगे, आई कांट हेल्प इन दिस, ठीक है।
अब इसके बाद इनकी आप टीचिंग समझो, यहाँ पर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग पे क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादा पूछेगा, ठीक है, फैक्ट्स पे नहीं पूछेगा, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने का काम आएगा, अगर मान लीजिए जर्नलिज्म में कोई क्वेश्चन आ गया तो यू कैन पुट इट एज इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर टीचिंग पर ध्यान रखिएगा, देखो इनकी टीचिंग यहाँ पर त्रिरत्नास हैं, ठीक है, इनकी टीचिंग है त्रिरत्नास है या थ्री जेम्स आप उनको बोल सकते हैं, जैसे नवरत्न थे ना तो उनको नाइन जेम्स बोलते हैं, उसी प्रकार से त्रिरत्ना है। त्रिरत्ना कौन कौन सा, एक तो क्या राइट फेथ, ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है राइट नॉलेज एंड तीसरा आता है राइट कंडक्ट। नाउ व्हाट इज दिस राइट नॉलेज, सबसे पहले राइट नॉलेज समझो, ठीक है। राइट नॉलेज ये है कि भैया देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये दुनिया अपने आप से इवोल्यूशन से बनी है और विदाउट एनी क्रिएटर के चल रही है, तो आप भगवान पर भरोसा करना तो बंद कर दो, पहला उनका ये फंडा था। याद रखना कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए इनको गॉड बना के धंधा चलाना चालू कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ओ माय गॉड में कि जैसे ही भैया जो भी दिखाई दे रहा है कि अच्छे अच्छे आइडल्स प्रोपोगेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस टाइम पे कांजीलाल जी मेहता थे तो उन्होंने उसी को गॉड बना दिया, उसी के नाम पे पैसे लूटना चालू कर दिया। तो सेम यहाँ पर चीज़ हुई, जो हाँ यहाँ पर जैन जैन थे, हमारे जो महावीर साहब थे, गौतम बुद्धा साहब थे, वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे कि भैया गॉड पर बिलीव मत करो, ये सब आपको लूट रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात यही होता है ना यार। तो अल्टीमेटली इन्होंने बोला कि देयर इज नो गॉड, ठीक है, देयर इज नो गॉड एंड यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन गॉड, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू कीप अ राइट फेथ। और राइट फेथ क्या है कि जो भी महावीर की टीचिंग है, जो भी बाकी तीर्थंकर की टीचिंग है, उनके विजडम्स है, उन पर बिलीव करना, ठीक है, उन पर बिलीव करना। और मैं बताऊंगा अभी उनके क्या विजडम है, क्या उनकी टीचिंग्स है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, अगर आपको राइट नॉलेज है कि भैया देयर इज नो गॉड, और ऊपर से अगर आपने महावीर जी की टीचिंग को अपना लिया, जो तीर्थंकर बाकी तीर्थंकर हैं उनकी टीचिंग को अपना लिया, तो अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग अ राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट कंडक्ट मतलब आप सही काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट टू इंजीरियस अ लाइफ ऑफ समवन, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड नॉट टू लीड इम नॉट टू लीड अ इमोरल लाइफ, ठीक है, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, ठीक है। अब इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, आई थिंक यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया, आगे की स्लाइड में इंक्लूड किया है, तो उनको याद रखना, ठीक है, कि भैया आपको एक मतलब इम्प्योर लाइफ नहीं जीनी है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, आपको कभी भी चीज़ों को चुराना नहीं है, आपको कभी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है, और आपको इमोरल लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, जब इन्होंने महावीर साहब ने गॉड का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया, ठीक है, उसी टाइम पर उन्होंने वेदास और वैदिक जो रिचुअल्स थे और जो भी वेदास में लगा था सब कुछ रिजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम और जो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है वो सब भी उन्होंने साथ ही साथ उसको निकाल के फेंक दिया, बोला कि सब कुछ खराब है। लेकिन इनका जो रिलीजन था ना काफ़ी एक्सट्रीम था, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजन था। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने एग्रीकल्चर को ही सिनफुल बोल दिया था। इन्होंने बोला था कि भैया आप पेड़ को मार के खा रहे हो, ठीक है, और जो भी नॉन वेज है उनके तो बिल्कुल खिलाफ थे वो, लेकिन ऊपर से एग्रीकल्चर के अगेंस्ट भी इन्होंने बोलना चालू कर दिया था। उन्होंने बोला कि भैया अगर आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो और उसको खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ सिनफुल टास्क। और साथ ही साथ ये लोग इतना एक्सट्रीम में चले गए थे, मतलब इनका रिलीजन इतना एक्सट्रीम था कि भैया अगर आपको मतलब कह सकते हैं कंप्लीट ज्ञान चाहिए और अगर आपको शुद्धि चाहिए और इस जो चक्र का है, जो कर्मा का चक्र है, उससे बाहर आना है, तो अल्टीमेटली आपको स्टाफ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाफ मतलब जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने स्टाफ करके अपनी डेथ हुई थी। उसके बाद आपको कपड़े नहीं पहनना है बिकॉज अटैचमेंट, ठीक है, सिंपल सी बात ही। हमारे गौतम बुद्ध साहब ने क्या बोला था कि आपको जब ये सब प्रॉब्लम क्यों है वर्ल्ड में, बिकॉज आप अटैच रहते हो किसी चीज़ों से, और कपड़ा भी तरीके का अटैचमेंट है। तो सेम चीज़ पे हमारे महावीर साहब भी चल रहे थे, उन्होंने बोला कि भैया आपको भी कपड़े नहीं पहनने, आपको न्यूड रहना है, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे सेल्फ टॉर्चर टाइप की चीज़ें उन्होंने बताई थी कि भैया खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड एवरीथिंग वॉज देयर, ठीक है। बट फिर भी ये जो रिलीजन था, ये उनकी टीचिंग थी। देखो आपको ये समझ में आया कि फैक्ट क्या थे, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको समझ में उनकी टीचिंग क्या थी, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज मतलब देयर इज नो गॉड, ठीक है, और दुनिया अपने हिसाब से चल रही है। और अगर और जो रियल फेथ है वो ये है कि भैया आपको हमारे जो भी महावीर हैं उनकी टीचिंग्स को, उसके विजडम पर बिलीव करना। उनका विजडम क्या है, उनका राइट कंडक्ट, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको कभी भी चोरी नहीं करनी है, आपको ब्रह्मचर्य अपना के रखना है, जो कि महावीर ने आखिरी मैट किया था। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, आपको इमोरल लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है। और उसके बाद बस एक एक्सेप्शन था इस रिलीजन का, वो रिलीजन का एक्सेप्शन ये था कि भैया आपको बहुत ही एक्सट्रीम सेंस में जाना है, मतलब एग्रीकल्चर भी यूज़ नहीं करना है, और इसके बाद न्यूडिटी फॉलो करनी है, स्टार्वेशन करना है, सेल्फ टॉर्चर करने हैं। भैया अगर इतना सब करेंगे तो यूजुअली सिंपल सी बात है, आपके रिलीजन को कोई भी फेवर नहीं करेगा, भले आप शूद्रस को बुला लो, वुमेन को बुला लो, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कंफर्टेबल लाइफ जीने की। बट फिर भी उनका रिलीजन बहुत आगे बढ़ा, ठीक है, तो हम समझते हैं उनका रिलीजन कैसे आगे बढ़ा, उसका रीजन क्या था, ठीक है, उसका रीजन क्या था। देखो सबसे पहले उनका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि उन्होंने एक संघ बनाया था, ठीक है, संघ, उनके उसमें काफ़ी अच्छे फॉलोअर थे जिन्होंने इस रिलीजन को काफ़ी आगे तक प्रोपोगेट किया, ठीक है, मतलब
ये लोग मतलब बहुत ही पावरफुल सेक्शन था और लोगों के पास जाते थे और बताते थे कि भाई आपके कास्ट सिस्टम में कितनी बुराइयां हैं, आप सीधे हमारे पास आओ, देखो आप हमारे यहाँ मैन भी अलाउड है, वुमेन भी अलाउड है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं देखा जाता है और आप हमारे रिलीजन को फॉलो करो, एंड एवरीथिंग वॉज देयर। ठीक है, और मतलब जो मेन आप कह सकते हैं रोल था यहाँ पर, किसी राजा का नहीं था, बस सबसे इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर वर्कर्स का, जो भी उनके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हैं जो रिलीजन था मैक्सिमम कहाँ, वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटका में फैलना चालू हो गया। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, इसलिए आपको मैक्सिमम जो जैंस मिलते हैं वो कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति है बहुत बड़ी, जिसे दूर से नहलाया जाता है, आई थिंक आपको याद होगी, आपने वो कौन सी पीके मूवी में भी देखा होगा, और उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे उनके बारे में। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में मतलब गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ पर भी आप देखते हो काफ़ी जैंस लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेठालाल गुजरात को बिलोंग करता था, महाराष्ट्र में आके सेटल हुआ, ही वॉज जैन। ठीक है, और अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली वो मिली ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, और जो भी कलिंगा के जो खारवेलास थे, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब आप कह सकते हैं जो अल्टीमेट रोल था वो तो इनके वर्कर का था, लेकिन थोड़ा बहुत रोल आप कह सकते हैं रूलर्स का भी था, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य का और कलिंगा के जो खारवेला किंग थे उन सब का। और अल्टीमेटली ये जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो आखिरी में जाके क्या करते हैं, आखिरी में जाके इनके साथ ही मतलब जो भी आप कह सकते हैं जो फॉलोअर्स थे बाकी जैन मतलब जो हमारे महावीर के, उनके साथ जाके अल्टीमेटली अपनी मौत भी वहीं पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आगे जब मैं मौर्यन कल्चर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कौन से किया था ये प्रिंसिपल क्वेश्चन आ सकता है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेला ऑफ कलिंगा, इसके बाद गंगा डायनेस्टी, उसके बाद कोडम्बा, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास। ठीक है, इन लोगों ने पेट्रोनाइज किया था किसको, जैनिज्म को। तो दो रीज़न थे जैनिज्म को स्प्रेड होने के, सबसे पहली बात तो भैया जो उनके वर्कर का रोल था और उसमें संघा का रोल। ठीक है, संघा मतलब कंप्लीट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर वर्कर का रोल, तो आप रीज़न नंबर 1 ये लिखोगे। और दूसरा, इन सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, इन सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रेड। लेकिन आपने जैनिज्म में एक चीज़ और सुनी होगी, भैया जैनिज्म में दो सेक्ट आते हैं, एक आता है श्वेतांबर और एक आता है दिगंबर। ठीक है, एक आता है श्वेतांबर और दूसरा आता है दिगंबर। तो ये आप बताओ भाई, ये श्वेतांबर और दिगंबर सेट कैसे आ गया, मतलब हमारे जो जैन साहब हैं खुद, बल्कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो डिवीज़न को ख़त्म करना चाहते थे उनके खुद ही के रिलीजन में से चीज़ हो गई, ये कैसे हो गया? देखो, इसका रीज़न ये है कि जब 4th सेंचुरी BC आती है, ठीक है, 4th सेंचुरी BC आती है, जो पूरी कंप्लीट गंगा वैली थी, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं फेमाइन आए थे, बहुत सीरियस फेमाइन आए थे, बिकॉज काफ़ी सूखा उखा पड़ गया था, बारिश वारिश नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब जैसे ही ये बारिश आरिश हुई थी तो अब सिंपल सी बात है, उस टाइम पे जैन की किलिंग भी थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, बिकॉज लोगों का गुस्सा था जैन के खिलाफ, बिकॉज ये लोग भड़का रहे थे हिंदुज़म के खिलाफ। ठीक है, तो इनके खिलाफ थोड़ा बहुत गुस्सा सब भी बढ़ गया था। तो अल्टीमेटली होता क्या है, अब यहाँ पर रहना है, नहीं रहना है, आगे क्या करना है, अब इसमें दो लीडर निकल के आते हैं। ठीक है, एक निकल के आते हैं भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे लीडर निकल के आते हैं स्थूलबाहु। ठीक है, पहले कौन से निकल के आते हैं, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे निकल के आते हैं स्थूल बाहु। ठीक है, दूसरे कौन निकल के आते हैं, स्थूल बाहु। अब ये जो हमारे स्थूल बाहु हैं वो बोलते हैं कि भैया हम तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारी जगह, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ याद है। और दूसरी तरफ जो भद्रबाहु रहते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हम तो चले जाएंगे कर्नाटका में, वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, ये लोग हमें यहाँ पर हमारे आइडल्स फॉलो नहीं करने दे रहे, ये लोग हमें यहाँ पर मार रहे हैं, वहाँ पर भूखी भुखमरी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली चंद्रगुप्त वहीं पर जाके मतलब श्रवण बेलगोला में जाके अपने आप को मतलब मौत के समर्पित कर देते हैं। और जो स्थूल बाहु है, ये स्थूल बाहु है, वो यहीं पर रुक जाते हैं। देखो, जब ये लोग यहाँ से गए थे तो इनको जो महावीर के जो भी आइडल्स थे वो सब याद थे। ठीक है, वो लोग ये सब नहीं भूले थे कि भैया महावीर जी न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद जो भी बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट थे कि झूठ नहीं बोलना, मतलब जितने भी अपनी बॉडी पर टॉर्चर डालना, और मतलब हर चीज़ इनको याद थी। ठीक है, वो ये लोग कुछ भी नहीं भूले थे। वहीं दूसरी तरफ जो स्थूल बाहु थे वो यहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, अब मैंने बताया इनके खिलाफ काफ़ी अटैक भी हो रहे थे यहाँ पर जो जैन रुके थे, और साथ ही साथ यहाँ पर फैमान भी बहुत थी, तो मतलब बहुत मुश्किल था यहाँ पर सर्वाइव करना। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट था महावीर का उनको बदल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग व्हाइट क्लोथ पहन सकते हैं, और उसके बाद आप लोग ये खाने में खा सकते हैं, एग्रीकल्चर का खाना खा सकते हैं, मतलब बहुत जो लाइफ थी कंफर्टेबल कर दी थी इनकी, क्या थी लाइफ, कंफर्टेबल कर दी थी। तो इसी की वजह से बाद में लड़ाई हो जाती कि भैया ये जो महावीर साहब ने कहा था वो सही था, तो ये जो हमारे चंद्रगुप्त वाले और भद्रबाहु वाले लोग हैं वो लोग रियल में जैन हैं और आप लोग जैन नहीं हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरीके से दो सेट निकल के आते हैं, एक था श्वेतांबर सेट मतलब जो लोग कपड़े पहनते हैं, और दूसरा था दिगंबर सेक्ट। ठीक है, दिगंबर सेक्ट जो लोग कपड़े नहीं पहनते। समझ में आया किस तरीके से दो सेक्ट बन के तैयार हो, श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये रीज़न था श्वेतांबर एंड दिगंबर में आने का। जो स्थूल बाहु वाले लोग हैं वो लोग जाके क्या बनते हैं, श्वेतांबर बनते हैं, और जो हमारे भद्रबाहु वाले लोग थे वो बनते हैं दिगंबर बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जितना भी आपके पास जैन लिटरेचर आया वो ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे ने लिखा है, किसी राजा ने सपोर्ट किया होगा तभी इसके ऊपर राइटिंग हुई है। तो एक्चुअली दो जैन काउंसिल
हुई थी, ठीक है। और पहली जो जैन काउंसिल थी उसको किसने लूट किया था? स्थूलबाहु ने। स्थूलबाहु देखिए कौन है, ये बंदे जो यहाँ पर रुक गए थे, ठीक है। और इन्हीं ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? 3rd century BC में हुआ था। इसके बाद सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी, 5th century AD में। और इसके बाद फाइनल जो जैन लिटरेचर के जो भी मतलब 12 अंगास थे यहाँ पर कंपाइल हुए थे। देखो मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादा जैनिज्म के बारे में नहीं पढ़ाया है और ना ही बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में एक अलग से सेक्शन है रिलीजन एंड लिटरेचर, तो वहाँ पर उनके सारे के सारे रिलीजन भी कवर करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजन ट्रपल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब रिलीजन कवर होंगे वहाँ पर, जहाँ तक कि जोरास्ट्रियन रिलीजन भी, इस्लाम रिलीजन भी, क्रिश्चियनिटी भी सब कवर होगा। साथ ही साथ जो लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल वेदास को मैंने डिटेल में कवर नहीं किया, यहाँ पर मैं अंगास को कवर नहीं कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो भी इनके और लिटरेचर आएंगे वो भी कवर नहीं करूँगा बुद्धिज्म के, बस यहाँ पर कंटिन्यूटिकली मैं चीज़ें पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी देखो ये पार्ट वैसे भी आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है, तो पढ़ाना तो बनता नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ आपको बता दूंगा तो आप बुक्स रीड करोगे और तब तक मेरी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज आपके सामने आ जाएगी और आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस जैनिज्म पार्ट। अगले लेक्चर में वी विल ट्राई टू कंप्लीट विद बुद्धिज्म और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद जनपदास, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद जनपदास, ठीक है। तो आज के इतने ही रह लेते हैं, ठीक है। ओ यहाँ पर एक फैक्ट गलत है, इसको काट लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।